चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आंधी ग्राम पंचायत से सामने आई है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि अभी भी पानी का संकट मंडरा रहा है। एक तरफ तो सरकार के द्वारा पानी की टैंकर देने की बात कही गई है, लेकिन लापरवाही के चलते हुए वह टैंकर भी वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं, और इसी के चलते हुए लोगों ने वहां पर आक्रोश भी जताया है और साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो देखिए इसी पर ये स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर जिले की आंधी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा से ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा हेडक्वार्टर होने पर भी पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। एक भी पंप या कोई ट्यूबवेल नल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में निजी नलकूपों से करीब 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा टैंकर स्वीकृत हुए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए, पर लापरवाही कर्मचारियों के कारण ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वार्ड पंच सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को भी बार बार अवगत कराने पर भी जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा में करीब 1500 की आबादी है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।